जय हिंद। आज का टॉपिक है बाणावली एक पुरातात्विक स्थल। बाणावली पुरा स्थल कालीबंगा से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद तहसील में स्थित है। प्राचीन काल में पुरा स्थल के दक्षिण में प्राचीन सरस्वती नदी प्रवाहित थी, जिसका अनुमान वर्तमान बालूभरी घाटी से किया जा सकता है। इस स्थल पर आरएस बिष्ट ने सन 1973-74 ईस्वी में उत्खनन कार्य करवाया था, जिसके फलस्वरूप 8 मीटर के जमाव से 3 सांस्कृतिक काल प्रकाश में आए थे, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कालखंड कहा गया। प्रथम कालखंड को संस्कृति कालीबंगा के प्राक हड़प्पा के अनुरूप थी। द्वितीय कालखंड, जिसे प्रौण हड़प्पा काल भी कहा गया। तृतीय कालखंड उत्तर हड़प्पा काल कहा गया। अब प्रथम काल के विषय में, प्रथम काल को 3 उपभागों फर्स्ट अ, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ए में सुरक्षा प्राचीर नहीं थी, फर्स्ट बी में सुरक्षा प्राचीर का निर्माण हुआ था और फर्स्ट सी में दुर्ग तथा निम्न नगर की द्वैतात्मकता का प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी उपकालों में ईंटों का अनुपात 3:2:1 था, किंतु फर्स्ट सी में 4:2:1 अनुपात में भी ईंटें बनने लगी। द्वितीय काल में बाणावली में दुर्ग और निम्न नगर अलग अलग टीलों पर नहीं थे तथा दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से आवेष्टित थे, किंतु दुर्ग को एक आंतरिक सुरक्षा प्राचीर निम्न नगर से अलग करती थी। फलतः दुर्ग का तल विन्यास अर्ध दीर्घ वृत्ताकार सेमी एल्पस था, चूंकि इसका निर्माण पूर्ववर्ती आवासी जमाव पर हुआ था, अतः इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक थी। दुर्ग की दीवार 4 से 7 मीटर मोटी थी। दुर्ग के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम में सड़कें उसे अनेक वर्गों में विभाजित करती थीं। कुछ सड़कों पर रिहायशी मकानों की पहचान की गई है। दुर्ग के पानी के निकास के लिए पकी ईंटों से बनी कई नाली थी। नाली की व्यवस्था पश्चिम पूर्व दिशा की एक सड़क के अनुरूप थी। नाली के निकास के पास एक बुर्ज था। इस प्रकार के बुर्ज दीवार के दक्षिण भाग में थे। निम्न नगर से दुर्ग में प्रवेश के स्थान पर 1.5 मीटर चौड़ा पकी ईंटों से निर्मित चबूतरा बना था। निम्न नगर चतुष्कोणीय था। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग के सुरक्षा प्राचीर के बाहर खाई भी थी। यह कहना कठिन है कि यह संपूर्ण सुरक्षा प्राचीर के साथ थी। निम्न नगर में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाओं में जाने वाली सड़कों की चौड़ाई 4-5 मीटर थी, जैसा कि कालीबंगा में भी मिली थी। घरों की रूपरेखा वैसी ही थी जैसा अन्य स्थलों पर थी। कभी कभी घरों की फर्श कच्ची ईंटों से निर्मित थी। एक घर में शौचालय में
वॉश बेसिन की व्यवस्था एक कोने में नाली के ऊपर थी। गंदा पानी घर के बाहर सड़क पर रखे बर्तन में जाता था। इस घर से मुहरे तथा बटखरे भी मिले थे, जिससे अनुमान किया गया है कि यह किसी बड़े व्यापारी का निवास था। इसी प्रकार से एक घर की पहचान स्वर्णकार के घर से की गई है। इस घर से बहुत अधिक संख्या में सोने, लैपिस लैजुली तथा कार्नेलियन के मनके और रत्नों की तौल करने वाले बटखरे भी मिले, जिससे यह एक सोने की पहचान करने की कसौटी प्राप्त हुई थी, जिस पर घिसने के कारण विविध रंग की स्वर्ण धारियां थी। कुछ घरों में अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। एक गज पृष्ठाकार संरचना अग्नि कुंडों से संबंधित मिली थी। कुछ विद्वानों ने इसके आधार पर एक मंदिर की परिकल्पना की। यहाँ के घरों में 1x1 अथवा 1x2 मीटर के आले भी मिले हैं। घरों के आगे प्रायः चबूतरे भी मिले हैं। यहाँ पर पकी ईंटों का प्रयोग कुओं, नालियों तथा स्नान के स्थानों तक सीमित था। अन्यत्र सभी जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो निम्न आकारों में मिलते हैं, किंतु उनका अनुपात 4:2:1 ही था, यथा 24x12x6 सेंटीमीटर, 32x16x8 सेंटीमीटर तथा 40x20x10 सेंटीमीटर। यहाँ प्रथम तथा द्वितीय काल में कोई व्यतिक्रम नहीं था। मृदभांड में भी पूर्वकालिक प्रकार तथा चित्रण अभिप्राय इस काल में भी मिलते हैं। यहाँ से पुरावशेष प्रचुर संख्या में प्राप्त हुए हैं। मोहरे केवल निम्न नगर से ही मिली हैं। बाट बटखरों में छोटे बटखरे विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनमें से दो का भार 0.216 ग्राम तथा 0.072 ग्राम मात्र है। यह एक चावल के भार का 6 तथा 2 गुना है। मार्शल का विचार था कि प्रौण हड़प्पा में भार का आधार चावल रहा होगा, किंतु यह कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों ने चावल की कृषि का प्रारंभ कब किया तथा वह कब उनकी अर्थव्यवस्था का आधार बना। यहाँ से प्राप्त टेराकोटा की वस्तुओं में विशेष उल्लेखनीय एक हल का प्रतिरूप तथा स्त्री प्रतिमाएं तथा बैल की लघु मूर्तियां हैं। स्त्री मूर्तियां नौशेरो, उल्ली, मेही, मेहरगढ़, शेरी खान एवं तारखे की स्त्री मूर्तियों से कला शैली में मेल खाती हैं। अब तृतीय काल। पौण हड़प्पा की समाप्ति के कुछ अंतराल के बाद उत्तर हड़प्पा काल प्रारंभ होता है, जिसमें प्रौण हड़प्पा की कोई भी विशेषताएं नहीं मिलती हैं। मकान ईंटों के स्थान पर मिट्टी के बनने लगे। इस काल की मृदभांड में तैलीय चमक मिलती है। यह मृदभांड 12 की मृदभांड से काफी साम्य रखती है। उत्खननकर्ता के अनुसार इसमें सेमेट्री एच की मृदभांड से भी समानता है। पुरावशेषों में विशेष उल्लेखनीय सिलखड़ी के आभूषण, मन के पीपल के पत्ते के आकार के कर्णाभरण
चूड़ियां और पायल आदि हैं। इसके अतिरिक्त एक मिट्टी की बनी वस्तु जिसका आधार वर्गाकार है तथा ऊपर की ओर संकरा होता जाता है तथा उसके ऊपर का भाग दो श्रृंगों के समान मिला है। इस प्रकार की वस्तुएं सतलज, घग्गर, घाटी से अन्यत्र भी मिली। तो ये पणावली के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।